So let's start today's topic, second part of complexometric titration. So the second part consists of what? It consists of the study of, first of all, metallochromic indicator. Now this metallochromic indicator, it is also known as what? They are also known as the metal ion indicator. ठीक है, या हम इसको एक और वर्ड से यूज कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पीएम इंडिकेटर. ठीक है, तो तीनों ही नाम आ सकते हैं इसके लिए, मेटेलोक्रोमिक इंडिकेटर, पीएम इंडिकेटर, या तो फिर मेटल आयन इंडिकेटर, या इरिस्पेक्टिवली कोई ऐसा भी बोल सकता है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इंडिकेटर, राइट? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर? तो दे आर नथिंग बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटेंसली कलर्ड कॉम्प्लेक्स विथ EDTA. ठीक है, तो जैसे ही बाकी इंडिकेटर्स रहते हैं विच आर, जैसे हम न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर की बात करें, सो दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन अ pH. प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में हमने देखा था, दिस देर आर सर्टेन इंडिकेटर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट. लाइक इन फजान्स मेथड वी नो दैट आफ्टर द इक्विलेंस पॉइंट द इंडिकेटर एड्सॉर्ब ओवर द सर्फेस ऑफ द प्रेसिपिटेट. सो दे आर रिलेटेड विद द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एंड दिस मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर, नाउ दे आर फॉर्मिंग इंटेंसली कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद EDTA. ठीक है, सो दे आर टेकिंग पार्ट इन अ कॉम्प्लेक्सेशन प्रोसेस. तो जैसे अगर मेटल आयन EDTA के साथ में रिएक्ट होकर कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, यू नो दैट व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद EDTA, इट फॉर्म्स अ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज मोस्टली अ कलरलेस कॉम्प्लेक्स. बट दिस इंडिकेटर व्हेन कंबाइंस विद द EDTA, तो जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, इट इज़ हैविंग अ इंटेंस कलर. सो इसी वजह से हम एंड पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज वीकर देन द मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स. ठीक है, सी मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो रहता है, ये वीक रहता है एज कम्पेयर टू मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इज़ हैविंग एडवांटेज. इफ सपोज ऐसा होता कि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्गर रहता कम्पेयर टू मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो जाता? एनी गैसेस? अगर ऐसा उल्टा होता कि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स ये स्ट्रॉन्गर होता, इफ इट इज फाउंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन द मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, तो क्या होता? What can be possibility? कोई गैस कर सकता है, कुछ आइडिया लगा सकता है क्या होता? सर मतलब एक बार क्वेश्चन. सी दिस लाइन, मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज अ वीकर देन मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये होता है, इट इज रिक्वायर्ड कि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो है वीकर होना चाहिए एज कम्पेयर टू मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स. द क्वेश्चन इज व्हाई मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स शुड बी वीकर एज कम्पेयर टू मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स? उल्टा होता तो क्या होता? कुछ लग सकता है, कुछ कनेक्शंस, एनी आइडिया? ऐसा क्या हुआ है कि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स जो है वीक रहना चाहिए एज कम्पेयर टू मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स? ओके, इसका आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स तैयार कब होता है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स? मेटल और इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स कब तैयार होगा? Before equivalence point or after equivalence point? Yes. Before equivalence point. Before equivalence point, metal indicator का complex तैयार होता है. What will happen if the metal indicator complex start forming before the equivalence point? In the first line, आपने देखा metal indicator जो complex है, ठीक है? मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स है, ये बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट होता है. यहाँ पे क्या लिखा है? थोड़ा सा ये गलत है,
इंडिकेटर नहीं, ईडीटी एन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, स्टेटमेंट थोड़ा गलत था अगर ध्यान से देखेंगे तो. सो व्हाट इट इज दैट द ईडीटी एन इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज वीकर देन द मेटल ईडीटीए कॉम्प्लेक्स. व्हाई? कॉम्प्लेक्स किसका तैयार होता है? ईडीटी और इंडिकेटर का, ना कि मेटल और इंडिकेटर का, राइट? होता भी है मेटल इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स, तो इट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. कल की कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन आपको समझ में आई क्या? तो ये आंसर दे सकते हैं. अगर आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन नहीं आती तो आप कुछ नहीं आंसर दे सकते. क्या होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में बेसिकली? कल हमने देखा था किसका एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है, किसके एसे के लिए यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री? व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन? रिएक्शन विद मेटल आयंस. सो किसके लिए यूज करेंगे बेटा? रिएक्शन विद मेटल आयंस मींस किसके एसे के लिए यूज करते हैं हम? योर आंसर शुड बी रिएक्शन विद मेटल आयंस और इट्स Only the metal ions. Metal ion. Simple metal ion होना चाहिए था. तो complexometric titration का application क्या है? Application का मतलब क्या होता है? कहाँ apply कर सकते हैं complexometric titration? For the determination. कुछ नहीं समझ में आया क्या बोला? फिर से. ஏய் டெஸ்ட் போட்டி நான் ஃபோன் பண்றேன், மீட்டிங் திட்டறாடா இறறா, டெஸ்ட் போட்டிடுடா. ஐ அம் நாட் எபிள் டு ஹியர் யூ. மேரா சவால் சமஜ் மே ஆயா சப்கோ? ஹாஸ் சார். கே சவால் ஹே? கோய் ஏக் ரிபீட் கரே. கே சவால் பூச்சா மேனே? What is the application of complexometric titration? Yeah, what is the answer for that? For the determination of mixture of different metal ion. Yeah, for the determination of the mixture of a metal ion or even the single metal ion. तो हम metal ions के लिए use करते हैं complexometry. तो metal को हम ऐसे represent कर दिया, Mn positive charge. ठीक है? कौन सा titrating agent use होता है complexometry में? EDTA. ठीक है, तो रिएक्शन क्या होती है? मेटल्स रिएक्ट्स विद EDTA. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? कॉम्प्लेक्स मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स, राइट? एंड उसके बाद हमारे क्या होना चाहिए हमारे पास? इंडिकेटर. इंडिकेटर विच शुड रिएक्ट विद EDTA एक्सेस वाला. इनिशियल give what color? EDTA colored complex. Color tayar hona chahiye, matlab second step mein kya ho raha hai? It is a indicator which reacts with EDTA and forms a complex. Indicator reacts with EDTA and forms a complex. Us complex ko naam kya denge hum? Indicator EDTA complex. Indicator EDTA complex. ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहे हैं, एक मेटल का EDTA के साथ और दूसरा इंडिकेटर का, इंडिकेटर का EDTA के साथ. तो नाउ यू कैन सी दिस फर्स्ट लाइन. व्हाट इज द फर्स्ट लाइन? सेज दैट द मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटेंसली कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद EDTA. इज इट सो नॉट? मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर्स फॉर्म करते हैं EDTA के साथ में कॉम्प्लेक्स कि नहीं करते? द मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर्स दे फॉर्म इंटेंसली कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद EDTA और नॉट? यस सर. यस सर, दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स. यही हमने देखा अभी इस रिएक्शन में कि देयर आर इंडिकेटर्स व्हिच रिएक्ट्स विद EDTA एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स. तो ये इंडिकेटर कौन से रहते हैं इस तरीके की टाइट्रेशंस में? मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर्स रहते हैं. सो मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर्स जो रहते हैं इसके दूसरे दो नाम क्या हैं?
PM indicator. Metal ion indicator and PM indicator. Correct. So now is it clear to you that metallochromic indicators are forming a colored complex with EDTA? Haan, sir. Right. Haan, sir. Now the next thing is, जो EDTN इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बनता है ये वीकर रहता है या स्ट्रॉन्गर रहता है एज कम्पेयर टू मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स? वीकर रहता है, ठीक है? अगर ये स्ट्रॉन्गर रहता तो क्या होता? स्ट्रॉन्ग रहता तो क्या होता? सेकेंड रिएक्शन पहले ही बन जाती, सेकेंड रिएक्शन पहले ही हो जाती, तो कॉलर आपको पहले ही मिल जाता, तो ऐसा होना चाहिए क्या? पहले इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले तो ऐसा होना चाहिए था क्या? नहीं. कब होना चाहिए इंडिकेटर की रिएक्शन? बाद में इक्विवेलेंस पॉइंट मेटल EDTA फॉर्म होने के बाद होनी चाहिए. करेक्ट है, ये एक चीज, ये तो समझ में आई हमको, ठीक है? और एक दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस नाउ सी इन दिस रिएक्शन, जब हम ये मेटल को रखते हैं, ठीक है, जब हमारा टाइट्रेशन स्टार्ट होगा, अगर कोनिकल फ्लास्क की हम बात करें, कैन यू सी दिस, राइट? तो कोनिकल फ्लास्क में सबसे पहले हम क्या लेंगे? मेटल लेंगे एज ए सैंपल, मेटल का सॉल्यूशन रहेगा. यस और नो? यस सर. मेटल का सॉल्यूशन रहेगा. इसमें हम इंडिकेटर भी ऐड करेंगे, इसमें हम इंडिकेटर भी ऐड करेंगे. हाँ. और इसको टाइट्रेट करेंगे किसके साथ? EDTA के साथ. EDTA के साथ, राइट? इनिशियली जो EDTA रहेगा वो किसके साथ रिएक्ट होगा? मेटल आयन. मेटल आयन के साथ पहली रिएक्शन होगी, पहले स्टेप की ये मेटल रिएक्ट्स विद EDTA फॉर्म मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स. एंड जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद व्हाट विल हैपन? द नेक्स्ट ड्रॉप और एक्सेस ड्रॉप ऑफ EDTA रिएक्ट्स विद इंडिकेटर, एंड ये सेकंड रिएक्शन होगी, ठीक है? अब लेकिन इस केस में क्या होता है, ये जो मेटल और इंडिकेटर रहता है ये दोनों इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं रहते कोनिकल फ्लास्क में. एक्चुअली कैसा रहता है, मेटल हैज अफिनिटी टू रिएक्ट विथ इंडिकेटर. मेटल की अफिनिटी रहती है किसके साथ रिएक्ट होने की? इंडिकेटर के साथ. इंडिकेटर के साथ रिएक्ट होने की अफिनिटी रहती है. अगर मेटल इंडिकेटर के साथ रिएक्ट होगा तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, उसको हम कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे? मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो जब हम इस कोनिकल फ्लास्क की बात करते हैं, ठीक है, तो इस कोनिकल फ्लास्क में एक्चुअली क्या प्रेजेंट है आपके पास में? मेटल तो प्रेजेंट है ही, इसके अलावा MIN भी प्रेजेंट है. मैं दोनों ही प्रेजेंट बता रहा हूँ. क्यों? क्यों मेटल हमेशा लार्ज कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा और इंडिकेटर कितना कॉन्सेंट्रेशन में ऐड करता है? वेरी लार्ज कॉन्सेंट्रेशन के स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन. जो भी हम ऐड करेंगे वो तो EDTA के साथ रिएक्ट हो जाएगा ना. EDTA अभी ऐड किया क्या मैंने कोनिकल फ्लास्क में? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, फर्स्ट मैं इस कोनिकल फ्लास्क की बात कर रहा हूँ, सेकेंड वाला, ठीक है? तो इस कोनिकल फ्लास्क में अभी क्या है मेरे पास में? मेटल आयन है और उसमें मैंने क्या ऐड किया है? इंडिकेटर ऐड किया. तो क्या ये दोनों फ्री रहते हैं क्या? मैंने बोला ये मेटल और ये इंडिकेटर दोनों फ्री रहते हैं क्या? नो, दे डोंट रिमेंस फ्री. मेटल क्या करता है? रिएक्ट विद इंडिकेटर. इंडिकेटर के साथ रिएक्ट होता है और क्या तैयार करता है मेटल? मेटल इंडिकेटर. मेटल इंडिकेटर. बट मेटल का कॉन्सेंट्रेशन लार्ज रहता है, इट इज इन अ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन, और इंडिकेटर लो कॉन्सेंट्रेशन में रहता है. सो सारे के सारे मेटल कॉम्प्लेक्स तैयार में हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएंगे कि सम अमाउंट ऑफ मेटल ओनली कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स? सम अमाउंट ऑफ मेटल. और सारे के सारे इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि सम अमाउंट ऑफ इंडिकेटर विल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स? सारे के सारे. वेरी गुड. सो मींस आपके कोनिकल फ्लास्क में दो चीजें प्रेजेंट है अभी. आपके कोनिकल फ्लास्क में फ्री मेटल आयन भी है, फ्री मेटल आयन, फ्री मतलब जो कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है. और आपके कोनिकल फ्लास्क में एक और है MIN. MIN इज व्हाट? मेटल इंडिकेटर. मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है? अब इसको आप टाइट्रेट कर दे किसके साथ? EDTA के साथ. EDTA के साथ. तो EDTA पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, कॉम्प्लेक्स वाले MIN के साथ या मेटल वाले फ्री मेटल आयन के साथ? फ्री मेटल. वेरी गुड. तो पहली रिएक्शन क्या होंगी?
मेटल रिएक्ट्स विद EDTA EDTA और क्या बनाएगा मेटल मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन फिर जो रिमेन जो इंडिकेटर वाला कॉम्प्लेक्स वाला मेटल है उसके साथ रिएक्ट करेंगे EDTA हां एंड व्हाट विल हैपन फिर से मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बनेगा बट इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग जो इंडिकेटर पहले कॉम्प्लेक्स के साथ था वो रिप्लेस हो गया ब्रेक हो गया और आपका इंडिकेटर कैसा हो गया फ्री हो गया यस सो आप देख सकते हैं इंडिकेटर दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म EMIN कौन से फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ना इंडिकेटर हां एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इंडिकेटर कौन से फॉर्म में आ गया फ्री फॉर्म फ्री फॉर्म राइट तो इंडिकेटर दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज इन अ फ्री फॉर्म राइट सो इंडिकेटर इज हैविंग अ टू कलर इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म इट इज हैविंग अ वन कलर एंड इन फ्री फॉर्म इट इज हैविंग अ सेकेंड कलर समझ में आया क्या हाँ सर ठीक है तो ये पहले का अगर मैं अब लाइन फिर से लिखूं यहाँ पे अब पढ़िए द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज वीकर देन अ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स इज इट सो और नॉट मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज वीकर देन अ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स है ना यस क्यों क्योंकि अगर मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता तो ये ब्रेक होता क्या EDTA से नो नहीं होता और सेकेंड रिएक्शन ही नहीं होती सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंस पॉइंट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द चेंज इन कलर क्या होना चाहिए EDTA कॉम्प्लेक्स इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स यही कहना है इस लाइन का दैट मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज वीकर देन अ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज अ डिफरेंट कलर इन कॉम्प्लेक्स एंड अनकॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना इस केस में आप देख सकते हो मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज हैविंग अ वन कलर एंड जब इंडिकेटर फ्री रहता है इट इज हैविंग अ डिफरेंट कलर आर यू गेटिंग द कंसेप्ट और नॉट यस सर किसी को कोई डाउट है निखिल कहाँ है आज निखिल नहीं आया हूँ सर बट मेरा नेट बार बार सर बंद हो जा रहा है तो मैं मीटिंग से लीव हो जा रहा हूँ सर बार रौनक है क्या हाँ सर समझ में आया बेटा क्या सर समझ में आया आपको ये चीज रौनक को पूछ रहा हूँ मैं हाँ सर आगे बढ़ू मैं फिर सर मेरे से अकेले से पूछ रहे हैं हाँ आपसे अकेले से पूछ रहा हूँ हाँ सर हाँ ठीक है फिर सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइट्रेशन द मेटल आयन फ्रॉम द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स इज रिप्लेस्ड टू फॉर्म अ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे टाइट्रेशन प्रोसीड होगा व्हाट विल हैपन पहले फ्री मेटल आयन रिएक्ट करेंगे EDTA के साथ आफ्टर देन द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस रिएक्शन हम समझ सकते हैं देर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स विद द मेटल आयन इंडिकेटर ठीक है कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मेटलोक्रोमिक इंडिकेटर की तभी जाके उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मेटल इंडिकेटर आयन के पास होनी चाहिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी द कलर मस्ट बी सफिशियंटली इंटेंस सो दैट द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंडिकेटर कैन बी यूज सही बात है आर यू एग्री विद दिस पॉइंट कि आपका जो इंडिकेटर है वो कैसा होना चाहिए इट शुड हैव अ इंटेंस कलर तो लो कॉन्सेंट्रेशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं सेकेंड द कलर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द इंडिकेटर एंड मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स शुड बी रेडिली ऑब्जर्वेबल ठीक है सो दो फॉर्म रहते हैं हमारे इंडिकेटर के अभी हम इस रिएक्शन के बेसिस पे भी देख रहे हैं दैट इंडिकेटर इज हैविंग अ टू फॉर्म One is a free form, another is a complex form. So, in both forms, the indicator should have a different color
एंड इट शुड बी रेडिली ऑब्जर्वेबल, कलर ऐसे होने चाहिए कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सके. थर्ड पॉइंट, द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स शुड पजेस द सफिशियंट स्टेबिलिटी टू एंश्योर द शार्प कलर चेंज, हाउ एवर इट शुड बी लेस स्टेबल देन अ मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ऐसा भी ना होना चाहिए कि मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स एकदम लूज है, इट इज नॉट हैविंग एनी स्टेबिलिटी. इट शुड हैव अ सफिशियंट स्टेबिलिटी सो दैट यू शुड हैव अ शार्प चेंज इन अ कलर. एंड फोर्थ पॉइंट, द चेंज इन इक्विलिब्रियम ऑफ द मेटल इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स टू द मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स शुड बी शार्प एंड रैपिड. फिफ्थ पॉइंट, द कलर रिएक्शन ऑफ द इंडिकेटर शुड बी सिलेक्टिव. ये एक अलग पर्सपेक्टिव है कि आपका इंडिकेटर जो रहता है इट शुड बी सिलेक्टिव फॉर द पर्टिकुलर मेटल आयन. क्या होता है, मिक्सचर में आपके पास में कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, और आपको सिर्फ कैल्शियम का डिटर्मिनेशन करना है. सपोज आपके पास में एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपके पास में कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी, एल्यूमिनियम भी है, एंड आपको बोला गया कि सिर्फ मुझे कैल्शियम का डिटर्मिनेशन करना है, तो आपका इंडिकेटर किस आयन के साथ कॉम्प्लेक्स करेगा? कैल्शियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, मैग्नीशियम, तीनों के साथ, कि सिर्फ कैल्शियम के साथ होना चाहिए उसका कॉम्प्लेक्स? क्या सोचते हो, इंडिकेटर का तीनों के साथ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि एक के साथ? ठीक है, स्लीपिंग? बिकॉज आज कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं है आप लोगों का. क्या होना चाहिए फिफ्थ पॉइंट, आर यू गेटिंग? अदरवाइज मैं ये रीड करूं ना आगे बढ़ू, बिकॉज आई डोंट लाइक रीडिंग द पॉइंट एंड गो अहेड. मैं हर पॉइंट को बेसिक पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ. क्या कह रहा है ये पॉइंट, द कलर रिएक्शन ऑफ द इंडिकेटर शुड बी सिलेक्टिव. नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस वर्ड सिलेक्टिव? कोई एक सिंगल की एक ही के साथ उसने रिएक्ट करना चाहिए इंडिकेटर ने. यस, इंडिकेटर एक ही, मैं यही बोल रहा हूँ कि तीन मेटल आयन है आपके पास में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो आपके इंडिकेटर तीनों के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल हैपन? कचरा हो जाएगा. कचरा ये हो जाएगा कि आपको तीनों का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा. अगर आप एंड पॉइंट की बात करते हैं तो यू विल गेट अ टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन. बट अगर मुझे सिर्फ कैल्शियम का ही डिटर्मिनेशन करना है तो मेरा इंडिकेटर कैसा होना चाहिए? सिलेक्टिव होना चाहिए कैल्शियम के लिए, कि वो सिर्फ कैल्शियम के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा इंडिकेटर. सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? तो इस केस में रिएक्शन क्या होंगी? तो रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाएंगी कि इनिशियली जब कैल्शियम रहता है तो इस कैल्शियम के साथ इंडिकेटर रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएगा? कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनेगा. ठीक है, और फ्री कैल्शियम आयंस भी रहेंगे आपके पास. तो इनिशियली जब टाइट्रेशन होगा तो EDTA किसके साथ रिएक्ट करेगा? कैल्शियम के साथ. इट फॉर्म कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स, एंड व्हेन ऑल द कैल्शियम आयन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आपका EDTA किसके साथ रिएक्ट करेगा? कैल्शियम इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स वाले कैल्शियम के साथ, है ना? और क्या तैयार होगा यहाँ पे? कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स प्लस आपका इंडिकेटर क्या हो जाएगा? सेट फ्री हो जाएगा. इस केस में आपका इंडिकेटर इज हैविंग अ वन कलर इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंड फ्री फॉर्म इट इज हैविंग अ सेकेंड कलर. ऐसी अगर रिएक्शन हुई इंडिकेटर इफ स्पेसिफिक फॉर द कैल्शियम आयन, व्हाट विल हैपन? बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज हैविंग अ वन कलर, एंड आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट इट इज हैविंग अ सेकंड कलर. समझ में आया क्या? क्लियर है क्या कांसेप्ट? ये इंडिकेटर आपका कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक. ये इंडिकेटर किसके लिए स्पेसिफिक है? फॉर एग्जांपल कैल्शियम के लिए. अगर सपोज स्पेसिफिक नहीं होता तो क्या होता? वो कैल्शियम के साथ भी इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स बनाता, कैल्शियम इंडिकेटर, मैग्नीशियम के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता, Mg आयन, और एल्यूमिनियम के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता, Al आयन. तो तीनों ही कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाते हैं, और फिर जब हम EDTA के साथ टाइट्रेट करते तो वो क्या होता? आपको तीनों का कॉन्सेंट्रेशन पता चलता, एक का नहीं पता चलता, राइट? सो हम अगर किसी एक पर्टिकुलर मेटल आयन के लिए इंटरेस्टेड है तो इस केस में आपका इंडिकेटर कैसा होना चाहिए?
how it should have properly selective ownership. Sixth point, the indicator must be very sensitive to metal ion so that color changes occur at near the equivalence point. ठीक है, शार्प चेंज आने चाहिए, उसके लिए इंडिकेटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होना चाहिए. सेवेंथ, द इंडिकेटर मस्ट बी स्टेबल इन द टाइट्रेशन ऑफ द मीडियम. ये तो जनरल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, किसी भी टाइट्रेशन में. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की बात करें तो वहां पे भी, प्रेसिपिटेशन में भी, यहाँ पे भी, कि इंडिकेटर जो भी कंडीशन रहती है उसमें स्टेबल होना चाहिए. इट शुड नॉट लूज इट्स प्रॉपर्टी. देन एट पॉइंट, इंडिकेटर मस्ट बी स्टेबल ऑन द स्टोरेज ऑल्सो. ये भी जनरल प्रॉपर्टी है. नाइन्थ पॉइंट, ऑल द अबव रिक्वायरमेंट मस्ट बी फुलफिल्ड इन द पीएच रेंज इन विच द प्रपोज्ड टाइट्रेशन इज टू बी कैरिड आउट. ठीक है, अब हाँ चलो बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में क्या होता है, कुछ मेटल आयन रहते हैं, ऐसे रहते हैं जो एसिडिक मीडियम में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुछ मेटल आयन ऐसे रहते हैं जो बेसिक मीडियम में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. कोई भी पीएच रेंज हो उसमें वो इंडिकेटर वर्क करना चाहिए. ऐसा ना हो कि इंडिकेटर बेसिक में काम करते हो तो एसिडिक में ना काम करे. एंड लास्टली, इट शुड बी कमर्शियली अवेलेबल इन एडिक्वेट प्योरिटी. तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर रहती हैं तो हम बोल सकते हैं यस, इंडिकेटर इज हैविंग अ प्रॉपर रिक्वायरमेंट टू वर्क एज ए मेटल आयन इंडिकेटर. ठीक है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जस्ट स्टडी किया. What is the theory of metal ion indicator? So initially हम देखते हैं कि metal जो रहता है indicator के साथ में complex बनाता है, metal indicator complex. When you add EDTA, what will happen? EDTA reacts with the metal ion because M-EDTA complex is having a better stability or more stability as compared to M-ion complex. So इस वजह से indicator जो पहले complex form में था, अब ये क्या हो गया? Free हो गया. ये समझ रहा है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया. Is it so? हाँ सर. ठीक है, ये वाली रिएक्शन अभी हमने बात की थी ना, क्या थी इस रिएक्शन में, कि मेटल पहले एडीटी के साथ में रिएक्ट हुआ, एमईडीटी है, एमआईएन के साथ बाद में रिएक्ट होगा और एमईडीटी कॉम्प्लेक्स और इंडिकेटर क्या हो जाता है, सेट फ्री हो जाता है. यही वापस बता रहे, तो इस केस में भी वैसा ही है. तो क्या होना चाहिए, एक जनरल स्टेटमेंट, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, MEDTA की कि MIN की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए? MEDTA. वेरी गुड, MEDTA की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू MIN. सो मेटल इंडिकेटर की जो स्टेबिलिटी है, इसको अगर आप वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रूल लगाए तो पहले रिएक्शन क्या होंगी, M reacts with iron to form MIN complex. Now the stability of this reaction is governed by KIN. KIN is called as equilibrium constant. It is also known as a metal indicator constant. So KIN is equal to concentration of MIN divided by concentration of M divided by into concentration of iron. Equation आपको समझ में आता है? This is a law of mass action. मैंने first day बताया था acid-base titration में कि what is the law of mass action, right? So equation कैसे बनता है? Law of mass action से react होके तैयार होता है. Now next. Since the indicator color change also affected by the hydrogen ion concentration, so it is convenient to define the conditional indicator constant KIN which varies with the pH. जैसे हमने बात किया, कुछ indicator, कुछ metals जो रहते हैं वो pH sensitive रहते हैं for the formation of complex. और हमने कल की जो reaction देखी थी EDTA की metal के साथ, तो उसमें हमने देखा था, when the metal reacts with EDTA, there is a release of two hydrogen ion. एंड दो हाइड्रोजन आयन जब रिलीज होंगे तो पीएच क्या होता है, चेंज होता है. तो इसीलिए जो हमारा ये के रहता है, के कांस्टेंट, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है. एंड इट इज कॉल्ड एज ए कंडीशनल इंडिकेटर कांस्टेंट व्हिच वेरीज विद द पीएच. सो फॉर द स्मॉल एरर इन के आयन ग्रेटर देन 10^4, द रेशियो ऑफ कंडीशनल फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एमईडीटी कॉम्प्लेक्स KMY एंड KIN शुड बी ऑर्डर ऑफ 10^4 टू प्रोवाइड अ गुड एंड पॉइंट. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इन detail of this particular part right now. So that is all about introduction of the metal indicator complex. Now let us see what are various examples of these indicators. ठीक है, आपको हर एक indicator के नाम at least याद होने चाहिए, बाकी सारी चीजें याद ना हो, structure याद ना हो, pKa value याद ना हो, color याद ना हो, still आपको उसका क्या याद रहना चाहिए, नाम. ठीक है, so you can see the first name, आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
The first indicator, calmejite. Second, iriochrome black tea. ठीक है. Third, murexide. Fourth, xylenol orange. Then fifth, pyrocortical violet. ठीक है. ये सारे इंडिकेटर्स के नाम है. यू कैन सी विच इंडिकेटर कौन से पीके वैल्यू पे यूज करना चाहिए, उसका पीके वैल्यू कितना है. सो वो रिप्रेजेंट किया गया है, तो उस रेंज में आप उसको यूज कर सकते हैं. कलर क्या रहता है, सो फर्स्ट वन इज हैविंग अ वाइन रेड कलर, सेकंड इज हैविंग अ वाइन रेड कलर, म्यूरेक्साइड इज हैविंग अ येलो कलर विथ विच मेटल आयन, तो वो स्पेसिफाइड किया गया है कि विथ कोबाल्ट निकल एंड कॉपर इट इज हैविंग येलो, हाउएवर विथ कैल्शियम इट इज शोइंग अ रेड कलर. ओके, म्यूरेक्साइड. Xylenol orange, although naam hai orange, lekin it is having a red color. Then cortical violet, pyrocortical violet, it is having a blue color. और डिटेल में देख सकते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, तो मैंने बताया जैसे नाम याद रखिए. हाँ, इसके अलग अलग नाम है. इरियोक्रोम ब्लैक टी, इट इज ऑल्सो नोन एज ए मॉडर्न ब्लैक टू. इसमें यहाँ पे स्लैश कर दीजिए. ठीक है, इसके दो नाम है. एक हो गया इरियोक्रोम ब्लैक टी, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, मॉडर्न ब्लैक टू. ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, राइट. इरियोक्रोम ब्लैक टी या मॉडर्न ब्लैक टू. इसका एक और तीसरा नाम है सोलोक्रोम ब्लैक टी. सोलो, एस ओ एल ओ सी एच आर ओ एम ई, एस ओ एल ओ सी एच आर ओ एम ई, सोलोक्रोम ब्लैक टी. ठीक है, तो तीन नाम है इस इंडिकेटर के. वॉट इज इट केमिकली, तो इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस वन हाइड्रोक्सी टू नेफ्थल एसओ सिक्स नाइट्रो टू नेफ्थल फोर सल्फोनिलिक एसिड. ये उसका स्ट्रक्चर है. इट इज अ डार्क पाउडर. तो देखो ये सॉलिड इंडिकेटर रहता है. वन मोर, आप जितने इंडिकेटर्स देखेंगे वो सारे लिक्विड रहते हैं. ओके, लिक्विड यूज किए जाते हैं. आपका फिनोफ्थालिन लिक्विड रहता है. ठीक है, क्रिस्टल वायलेट लिक्विड रहता है. और कौन से इंडिकेटर आपने नाम सुने, क्लोरोसिन ईओसिन, सब लिक्विड फॉर्म में रहते हैं. Whereas solochrome black tea, आप देखेंगे it is having a dark powder with a slight metallic luster. Mute करो, इसका माइक चालू है. Then iriochrome black tea is used to estimate this magnesium, zinc, manganese, cadmium, mercury, lead, copper, aluminium, iron, tin, cobalt, nickel, platinum, metal ions. So आप देख सकते हैं इतने सारे metal ions के लिए ये indicator use कर सकते हैं. The indicator is prepared. कैसे बनाया जाता है, by dissolving 0.2 gram of this powder in 15 ml of triethanolamine followed by additional 5 ml of absolute alcohol. Although ये liquid के लिए बता रहा है, but आप solid use कर सकते हैं by mixing with NaCl. ठीक है, आप just powder लीजिए, उसको NaCl के साथ mix करिए and you can use directly as it is a solid powder. Then second indicator, murexide. It is used for the estimation of calcium, nickel, cobalt, zinc, cadmium, copper, metal ion in EDTA titration. The indicator is prepared by dissolving murexide powder in water. The aqueous solution of murexide is unstable, hence it is freshly prepared. ठीक है, तो murexide indicator हमेशा freshly prepared किया जाता है in water. Third indicator, xylenol orange. So you can see the structure of the xylenol orange. It is used to estimate bismuth, cadmium, lead. What is the name of this metal? Sc? Strontium? No, it's Sn. Yes? Cadmium. Cadmium. Scadium. Thorium. Zinc. Okay. So, in metal ions, ke liye use kiya ja sakta hai xylenol orange. Then, pyridyl azonaphthol. Pyridyl azonaphthol. So it is used to estimate cadmium, copper, again scandium, zinc. What is iron standing for? Find out what is iron. Okay, is it any metal? So that's all for the indicators. Okay. So आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले basically what is the metallochromic indicators? How it is working? Okay, then what are the requirements of the metal ion indicator and the examples of the metal ion indicator. Itna yaad rakhna hai aapko. Theek hai beta, aage badhe hum next topic pe aate hain. So what is the next topic according to your syllabus? According to your syllabus next topic ye hai masking and demasking agent, but ye kiska part hai?
it can see the masking and demasking agent is a part of one topic, the methods of increasing the selectivity of EDTA titration or methods of increasing the selectivity of complexometric titration. हम यहाँ पे EDTA को replace कर सकते हैं by using a word complexometric titration. क्या होता है कि मैंने जैसे अभी बात किया कि complexometric titration में metal ions selective रहते हैं for forming the complex on the basis of the pH. So if you have a mixture of a metal ion to find out, so what will happen? आपके कुछ metal ऐसे हो सकते हैं जो acidic pH में stable रहेंगे, जो complex बनाते हैं EDTA के साथ. कुछ metal ऐसे रहते हैं जो basic pH में complex बनाते हैं EDTA के साथ. तो आप कौन सी पीएच प्रीफर करेंगे इफ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सच काइंड ऑफ मेटल आयन. एग्जांपल में बता दूं, बेरियम बिस्मथ. बिस्मथ समझते हैं आपको? बिस्मथ, डू नो बिस्मथ? बिस्मथ फॉर्म्स अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ईडीटी इन एसिडिक पीएच. बिस्मथ क्या करता है? बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है इन एसिडिक पीएच. और अभी हमने देखा जिंक. जिंक बनाता है बहुत ही अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स एट अ बेसिक पीएच, पीएच 10. ठीक है, मैग्नीशियम जिंक ये पीएच 10 पे बहुत अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. एंड इफ सपोज यू हैव अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड बिस्मथ एंड किसी ने बोला फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ जिंक एंड बिस्मथ, तो क्या करेंगे आप ईडीटी के साथ? कैसे टाइटरेट करेंगे? कौन से पीएच पे वर्क करेंगे? तो आपको सिलेक्टिविटी इंक्रीज करनी पड़ेगी ईडीटीए की. आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या होता है, प्रॉब्लम हमको समझना पड़ता है. जब हम प्रॉब्लम समझेंगे ना तो उसका आंसर अच्छे से समझेंगे. लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं समझती. सही बात है, कोरोना के वायरस को अगर हमें किल करना है तो सबसे पहले समझना तो पड़ेगा कोरोना का वायरस कैसे इंक्रीज हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है. पता तो होना चाहिए. अगर वही अवेयरनेस नहीं है तो क्या होगा? What will happen if you don't know how the corona is, coronavirus is spreading? So क्या होगा? Uncontrolled spread होगा. Uncontrolled spread होगा. अगर हमको पता चल गया तो measures ले पाएंगे. वैसे अगर हमको ये पता चल गया कि coronavirus multiply कैसे होता है, कौन सा वो particular protein है जिसको हमने अगर inhibit कर दिया तो corona का virus inhibit हो जाएगा, तो what will happen? So what will happen? We'll start synthesizing a new molecule, new chemicals, जो उस particular enzyme को target करे और inhibit करे, तो जिससे corona का virus multiply होना बंद हो जाएगा. Yes or no? Yes. हाँ sir. ये बातें अगर मुझे पता चल गई, and if I find out the drug how it is working, so what will happen? It will be a novel, right? तो वैसे ही basically कोई चीज को अगर हमें समझना है, ठीक है? पहले प्रॉब्लम भी तो पता होनी चाहिए ना. प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से होती है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है हमारे पास मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है? बिस्मथ एंड जिंक का. बिस्मथ क्या है? बिस्मथ और जिंक दोनों ही क्या है? मेटल है. मेटल है, ठीक है. बट बिस्मथ क्या है? इट इज फॉर्मिंग अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए एट व्हिच पीएच? एसिडिक. एसिडिक पीएच. एंड जिंक फॉर्म अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए एट Basic. Basic. इन दोनों का मिक्सचर है और मुझे बोला गया कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो. सो व्हाट आई विल डू, मैं कौन से पीएच पे काम करूंगा? क्या करेंगे फिर? एनी आंसर सर? क्या करेगी मतलब? मुझे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, दोनों मेटल आयन का. अगर सपोज मैं मिक्सचर में ईडीटी ऐड करता हूँ और कौन सी पीएच रखूँ मैं, मेरा सवाल ये भी है, मैं कौन से पीएच पे ईडीटी के साथ टाइट्रेशन स्टार्ट करूँ? अगर मैंने बेसिक पीएच रखी तो किसका डिटरमिनेशन होगा? सिर्फ जिंक का. और एसिडिक पीएच रखी तो किसका डिटरमिनेशन होगा? बिस्मथ. मुझे दोनों का डिटरमिनेशन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एम्फोटेरिक नेचर. कैसे होगा एम्फोटेरिक नेचर? सेवन पे अगर करूंगा तो ना बिस्मथ रिएक्ट होगा ना जिंक रिएक्ट होगा, कोई भी रिएक्ट नहीं होगा, किसी का पता नहीं चलेगा फिर. राधिका, आर यू गेटिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस सर, प्रॉब्लम समझे सर. फिर जो हमने
वो लार्ज मेथड में जैसे हमने एसिडिक इंडिकेटर्स यूज किए थे सर, तो अगर वो यूज किए तो हो सकता क्या? बेटा एसिडिक इंडिकेटर वोल्हार्ड्स मेथड के लिए किसके सेंसिटिव थे, वो किसको सेंसिटिव थे? और एक और बता दो क्लियर, वोल्हार्ड्स मेथड में एसिडिक इंडिकेटर वर्ड नहीं आया था, फजान्स मेथड में आया था। हाँ फजान्स मेथड, सॉरी सर। तो किसके लिए सेंसिटिव थे फजान्स मेथड के इंडिकेटर, कॉम्प्लेक्स के लिए कि प्रेसिपिटेट के लिए? प्रेसिपिटेट। तो क्या वो इंडिकेटर यहाँ काम करेंगे? नो। So what is the logic of using that indicator here? तो चलो प्रॉब्लम तो समझ लेते हैं, प्रॉब्लम किस किस को समझा, फ्रेंकली बताइए मुझे, प्रॉब्लम समझ में आएगा सर? यस आई फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू, मेरा प्रॉब्लम क्या समझ में आएगा बच्चा? अगर आप डॉक्टर रहते तो पेशेंट का प्रॉब्लम समझना चाहिए ना। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? जैसे एक बार किसका मिक्सचर है? अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं मुझे कुछ स्क्रीन दिखाई देती है मेरी, ये जो आपको दिखाई दे रही है। हेलो हाँ सर मैं हूँ ना, कनेक्टेड हूँ ना लोगों से, आप लोगों से? यस सर। हाँ सर अभी आ रही आवाज। अच्छा बीच में चली गई थी क्या? हाँ शायद से आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अच्छा अच्छा तो मेरा प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गया, इफ यू आर ऑल डॉक्टर्स। अभी वो केमिस्ट्री वाले डॉक्टर्स। हाँ तो मेरा प्रॉब्लम समझ में आया, मेरे पास एक मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? मुझे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है? हाँ। सो व्हाट आई विल डू, द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्लाइड आपको आंसर बता रही है। सेपरेशन, केमिकल सेपरेशन। हिज फर्स्ट आंसर इज अ केमिकल सेपरेशन। हाउ, क्या करेंगे आप? सर यहाँ पे मेथड दिए ना स्क्रीन पर। हाँ तो केमिकल सेपरेशन मतलब थोड़ा एक्सप्लेन, नाम बता दिया अब तो मैंने, मैंने बताया नाम है स्क्रीन के ऊपर, आपने तो थोड़ी बताया। अब मैं, हाँ चलो मैं पेशेंट हूँ, केमिकल सेपरेशन कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? केमिकल सेपरेशन बताइए, व्हाट इज मीन बाय केमिकल सेपरेशन? यहाँ पे दिमाग लगाना है हम लोगों को, समझ में आ रहा है क्या हमको? थोड़ा सा पढ़ने में कहाँ अलग होना है, सो वी हैव टू बी लॉजिकल, वी हैव टू बी इम्प्लिकेटिव, यानी हमको अप्लाई करते हुए आना चाहिए हमारे नॉलेज को, सिर्फ रट्टा मार के तोता बन के पढ़ाई नहीं करना, समझे क्या? तो केमिकल सेपरेशन सामने तो दिख रहा है अभी बेटा, लेकिन उसको बताओगे कैसे, मतलब क्या होता है केमिकल सेपरेशन का, क्या होता है केमिकल सेपरेशन का मतलब? कोई बता सकता है केमिकल सेपरेशन मतलब क्या? कौन से दो केमिकल मतलब आपके पास? केमिकल्स को अलग करना। कौन से दो केमिकल आपके पास, जिंक और बिस्मिथ और जिंक? उन दोनों को सेपरेट करो, कैसे कर सकते सेपरेट? सर उनको सेपरेट करो मींस आपके पास मिक्सचर किसका है? जिंक और बिस्मिथ का। तो उसको सेपरेट करो मतलब क्या, अलग-अलग करना, अलग करना और जिंक को अलग करना। तो कैसे करेंगे? आपके पास मिक्सचर है, आपके पास जिंक भी है, आपके पास बिस्मथ भी है, दोनों को अलग करना है, कैसे अलग करेंगे? दीवार तो खड़ी नहीं कर सकते दोनों के बीच में, कि दीवार खड़ी कर दी और दोनों अलग हो गए, ऐसा हो सकता है क्या? नो। कैसे अलग करेंगे? सपोज मैंने सल्फेट आयन ऐड कर दिए, सल्फेट जो जिंक के साथ रिएक्ट होते हैं, बिस्मथ के साथ रिएक्ट नहीं होते, या जो सिर्फ बिस्मथ के साथ रिएक्ट होते हैं जिंक के साथ रिएक्ट नहीं होते, ऐसे कोई आयन ऐड कर दिए, नेगेटिव आयन, सपोज सल्फेट है,
जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट होके क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट। यानी ये अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो व्हाट विल हैपन? नीचे सेटल हो जाएगा। जिंक को फिल्टर करके बाहर निकाल लेंगे यस सर, और बच हाँ। क्या जाएगा फिल्टरेट में? बिस्मिथ। बिस्मिथ। अब मैं बिस्मिथ को टाइट्रेट कर सकता हूँ? यस हाँ सर। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? केमिकल सेपरेशन। समझ में आया क्या? हाँ डॉक्टर yes, आप लोग थे, पेशेंट से ही आंसर मांगते रहते हैं। हाँ ऐसे डॉक्टर बनना है क्या? ऐसे डॉक्टर बनना चाहिए। आजकल के ऐसा ही चालू है ना हॉस्पिटल में अपने, क्या चालू है कि आपको अगर एडमिट होना है दवाई खुद के लेके आओ, बेड अपना खुद का लेके आओ, ऑक्सीजन अपना खुद का लेके आओ। तो कुछ कुछ हॉस्पिटल तो ऐसे बोलते हैं हमारे पास डॉक्टर की भी कमी है, डॉक्टर भी खुद का लेके आओ तभी जाके हम आपको एडमिट करेंगे। सुना क्या ऐसा? हाँ। तो आपको वैसे ही बनना है कि खुद आंसर देंगे वैसे डॉक्टर बनेंगे, कि पेशेंट से ही आंसर लेके आएंगे? तुम ही लेके आओ भैया। तो जब प्रॉब्लम आता है ट्राई टू आंसर इट, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? सीधे सेकेंड ऑप्शन पीएच कंट्रोल। पीएच कंट्रोल करके सपोज मैंने ऐसा बफर ऐड कर दिया, जनरली जो बफर यूज किया जाता है इट इज अमोनिया बफर यूज किया जाता है, अमोनिया बफर विच मेंटेन्स द पीएच एट 10। तो सपोज मैंने उस कोनिकल फ्लास्क में अमोनिया बफर ऐड कर दिया जो कितनी पीएच मेंटेन करके रखता है? 10। 10 की पीएच मेंटेन करके रखता है। और फिर मैं उसको टाइट्रेट करता हूँ एडीटी के साथ, तो कौन सा मेटल आयन रिएक्ट होगा? तो कौन सा मेटल आयन रिएक्ट होगा? जिंक। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा? जिंक का। ठीक है, जिंक एक बार कॉम्प्लेक्स हो गया, उसके बाद में मैंने वो बफर की जो एक्शन है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसके बाद फिर मैं टाइट्रेट करूंगा तो किसके साथ टाइट्रेट होगा? बीडीटी के साथ। बिस्मिथ के साथ। सो व्हाट विल हैपन? आपने दोनों को ही फाइंड आउट कर दिया बाय कंट्रोलिंग द पीएच। ठीक है, अभी तीसरी और चौथी मेथड देखते हैं, मास्किंग एंड डिमास्किंग मेथड्स जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट इज अ मास्किंग एंड व्हाट इज अ डिमास्किंग एजेंट। मास्क सुना है आप लोगों ने? आजकल तो काफी फेमस वर्ड है मास्क। क्या होता है मास्क? जो कुछ छुपा देता है जनरली। मास्क क्या होता है? जो आपके चेहरे को छुपा देता है ना? तो मास्किंग एजेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री टाइट्रेशन में? सर वो मेटल आयन को, मेटल आयन के ऊपर एक आधी लेयर बना देता होगा जिससे वो रिएक्शन नहीं हो, मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। बरोबर, आपका थोड़ा सा सोचना बरोबर है कि ये मास्किंग एजेंट क्या करता होगा, मेटल के साथ में उसको कुछ छुपा रहा होगा। कैसे छुपा रहा है? तो वो तरीका अलग अलग है। सपोज आपके पास में फिर से वही दो मेटल आयन का मिक्सचर है, जिंक एंड बिस्मिथ। कैन यू सी दैट? राइट नाउ व्हाट इज अ मास्किंग एजेंट? मास्किंग एजेंट क्या करता है? सपोज जिंक को छुपा दिया उसने सॉल्यूशन में से, जिंक को छुपा दिया। कैसे छुपा दिया वो बाद में हम देखते हैं, लेकिन उसने जिंक को छुपा दिया, मास्किंग एजेंट, उसने जिंक को मास्क कर दिया। ठीक है, सो अगर मैं अब इस केस में एडीटी के साथ में टाइट्रेट करूंगा व्हाट विल हैपन? बिस्मिथ के साथ एडीटी की रिएक्शन होगी और मुझे सिर्फ किसका कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा? बिस्मिथ का पता चलेगा। ठीक है, तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ बिस्मिथ के साथ टाइट्रेट करना? बाय यूज ऑफ व्हाट? मास्किंग एजेंट। मास्किंग एजेंट, तो जिसने क्या किया, जिंक को क्या कर दिया? मास्क कर दिया। मास्क कर दिया। ठीक है, नाउ आफ्टर द रिएक्शन, व्हेन दिस रिएक्शन ऑफ बिस्मिथ एंड एडीटी गेट्स ओवर, व्हाट आई विल डू? आई विल ऐड डीमास्किंग एजेंट। आई विल ऐड डीमास्किंग एजेंट। क्या करेंगे डीमास्किंग एजेंट? नाम से समझ रहा है, जिंक को डीमास्क करेंगे, मतलब हाँ, वो लेयर निकाल देगा, वो लेयर जो भी है जो जिंक छुप गया था उसको वापस पकड़ के बाहर हाँ, निकाल देगा। अब फिर से मैं टाइट्रेशन चालू करूंगा एडीटी के साथ,
इस केस में एडीटी अब किसके साथ रिएक्ट होगा? जिंक। और फिर आपकी जिंक की रीडिंग मिल जाएंगी, यस और नो? तो इस केस में मैंने किसका यूज किया? मास्किंग डीमास्किंग। मास्किंग डीमास्किंग एजेंट, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट इज द बुक डेफिनेशन फॉर द मास्किंग एजेंट। क्या लिखा है मास्किंग एजेंट? मतलब दिस आर द रिएजेंट व्हिच प्रिवेंट्स इंटरफेरिंग आयन फ्रॉम रिएक्शन विदाउट अ फिजिकल सेपरेशन। समझ में आएगा इसका मतलब? दिस आर द रिएजेंट व्हिच प्रिवेंट्स इंटरफेरिंग आयन फ्रॉम द रिएक्शन विदाउट अ फिजिकल सेपरेशन। तो मैंने उस बीकर में से जिंक को क्या बाहर निकाला था क्या, जैसे वो पहली मेथड में किया था, याद है? केमिकल सेपरेशन मेथड में मैंने क्या किया था? प्रेसिपिटेशन किया था। प्रेसिपिटेशन से बाहर ही निकाल दिया था। इस केस में मैंने ऐसा किया क्या? ना। नहीं, तो फिजिकल सेपरेशन किया नहीं किया, बट मैंने वो इंटरफेरिंग आयन को प्रिवेंट कर दिया रिएक्शन से। हाँ। सो दैट इज अ मास्किंग एजेंट, ठीक है। कैसे काम करता है? मास्किंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी चिलेटिंग एजेंट। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द मास्किंग एजेंट? ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी कल एक वर्ड किसी ने पूछा था, मैंने उसका मतलब भी बताया था। व्हाट इज ऑक्सिलरी? सपोर्टिंग। यानी ये सेकेंडरी बोल सकते हैं, सपोर्टिंग है, एक्स्ट्रा है, जो चिलेटिंग एजेंट का काम करता है। व्हाट इज अ चिलेटिंग एजेंट? लिगेंड्स, जो चिलेट्स बनाता है, जो लिगेंड्स चिलेट बनाता है, राइट? तो ये मास्किंग एजेंट भी क्या है? दे आर नथिंग बट अ चिलेटिंग एजेंट। तो कैन यू आंसर मी, वो जिंक को छुपा कैसे रहा होगा इस रिएक्शन में? जिंक को छुपा कैसे रहा है? ये मास्किंग एजेंट जिंक को छुपाता कैसे? बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? लेयर। लेयर, लेयर कैसे बनती है? इज इट अ कोटिंग? इट इज अ चिलेशन। मास्किंग एजेंट कोटिंग करता है कि चिलेशन करता है? चिलेशन। चिलेशन करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोटिंग एंड चिलेशन? तो ये आंसर्स आपको तभी मिलेंगे जब आपने कल का लेक्चर देखा होगा, ठीक है, या कल का लेक्चर ध्यान से सुना होगा। व्हाट इज अ चिलेशन? सर, जो लिगेंड मतलब कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स सर्कुलर, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सर्कुलर रहता है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर, रिंग शेप। हां, रिंग टाइप रहता है, रिंग फॉर्मेशन तैयार होती है ना, यानी मेटल ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा छुप जाता है। मैं बेसिक कल का एक एग्जांपल बताया है EDTA का, EDTA फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर, राइट? उसको समझना है ना, EDTA रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, तो आप क्या करो पता है क्या, एक ऐसे क्या ले लो कुछ, तो भी रबर ले लो, आपके पास में रबर होगा, ठीक है, उसको दोनों हाथ में ऐसे पकड़ लो, नमस्कार करते हो, नमस्कार की पोज रहती है ना, वैसे करके पकड़ लो, और रबर आपके उस पोज में, हाथों की जो नमस्कार का पोज रहता है उसमें अंदर है, कैसा दिखेगा आपको? शंख जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इफ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो नमस्कार कर दिया और हाथ के बीच में ऐसे रबर फंस गया है, तो कैसा दिखेगा आपको स्ट्रक्चर? थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA व्हेन इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद अ मेटल आयन? उसका आंसर रहेगा, इट फॉर्म्स अ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री जो रहती है वो कैसी रहती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहती है। एनीवे, सो व्हाट इज अ मास्किंग एजेंट? इट इज आल्सो नोन एज व्हाट? ऑक्सिलरी चिलेटिंग एजेंट। तो मास्किंग एजेंट भी क्या करता है? मेटल के साथ में चिलेट ही तैयार करता है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही तैयार करता है। एंड व्हाट इज अ डीमास्किंग एजेंट? मुझे ऐसा लगता है मेरा नेटवर्क चले गया कि आप लोग नहीं बोलते। चेक करना पड़ता है मुझे बार बार, है ना, नेटवर्क में तो सभी लोग हैं। हाँ सर। सो व्हाट इज द डीमास्किंग एजेंट? जो वो लेयर को
फिर से वैनिश कर देगा. वेरी गुड. लेयर लेयर मत करते जाओ अभी. अब क्या करना है, वर्ड यूज करना है चिलेशन. ओके सर, जो चिलेशन को. इज इट अ लेयर रियली मास्किंग एजेंट, इज इट अ फॉर्मिंग अ लेयर? नो, इट इज फॉर्मिंग विद चिलेशन. इट इज फॉर्मिंग अ चिलेशन. ठीक है. सो व्हेन यू राइट अ लेयर दैट इज इंडिकेटिंग अ डिफरेंट थिंग. लेयर मतलब कोटिंग लगता है मुझे, कोटिंग बना रहा है. सो इज इट अ कोटिंग एजेंट मास्किंग एजेंट? नो नो, इट इज अ चिलेटिंग, चिलेटिंग एजेंट. So demasking agent क्या करेगा? It will break that coordination linkage. It will make the iron free from the masking. ठीक है, जो mask metal है, it will make it free. So that is the role of demasking agent. Now ये सब आपको याद रखने हैं. Masking agent के example वो कौन से metal को mask करते हैं? See every masking agent is specific to particular metal iron. Now you can see the first example, potassium cyanide, KCN. इट इज अ मास्किंग एजेंट यूज फॉर वॉट? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि KCN इज अ मास्किंग एजेंट फॉर वॉट. सो इट इज अ मास्किंग एजेंट फॉर सिल्वर, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, जिंक. और तो यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है, बट कुछ लिमिटेशन ही है. ओके, तो सिल्वर, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, जिंक, इसके लिए पोटेशियम साइनाइड. फ्लोराइड, इट इज अ मास्किंग एजेंट फॉर आयरन एंड एल्यूमिनियम. तो आपके लिए ये याद रखने की चीज है कि फ्लोराइड कौन सा आयन को मास्क करता है, तो आयरन एंड एल्यूमिनियम. आयरन हैड टू बी इन अ फेरिक फॉर्म. आयोडाइड, के आई, इट इज अ मास्किंग एजेंट फॉर मर्क्यूरी, Hg2 पॉजिटिव. ठीक है, ये एक है यहाँ पे ट्राइथेनोनामीन. सो ट्राइथेनोनामीन, इट इज अ मास्किंग एजेंट फॉर आयरन, एल्यूमिनियम एंड टीन. ठीक है, स्टेनस क्लोराइड बनता है टीन से, यानी Sn2 पॉजिटिव. देन डीमास्किंग एजेंट. सो व्हाट इज अ डीमास्किंग एजेंट? द डीमास्किंग एजेंट, डीमास्किंग, इट इज अ प्रोसेस इन विच द मास्किंग सब्सटेंस रिवर्स बैक टू इट्स एबिलिटी टू टेक पार्ट इन अ रिएक्शन. तो जिंक जो पहले मास्क हो चुका था, उसको हमने डीमास्किंग एजेंट एड करके क्या कर दिया, फ्री कर दिया, ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सके. So any reagent which regains ability of a mask ion to enter the reaction with the titrating agent like the EDTA, so this agents are called as a demasking agent. Now see, cyanide ye masking agent hai, right? But mixture of formaldehyde and acetic acid, it is act as a demasking agent. So demasking agent ki example hai mixture of formaldehyde and acetic acid. ठीक है, इस रिएक्शन में बताया हुआ है कि अगर सपोज जिंक जो है साइनाइड से मास्क हो चुका था, तो जिंक इज लिबरेटेड बाय एडिंग द मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड. तो कैसे वो रिएक्शन में डीमास्किंग एजेंट वर्क करता है, यू कैन सी दिस रिएक्शन. जो जिंक पहले साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, Zn(CN)4 twice negative, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक एंड साइनाइड, उसमें हमने क्या एड कर दिया, वी हैव एडेड अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड. सो 4 मॉलिक्यूल ऑफ SCHO, 4 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड. तो व्हाट विल हैपन, जिंक जो है इट गेट्स इट फ्री, Zn2 पॉजिटिव, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन व्हिच इज अ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू जिंक साइनाइड कॉम्प्लेक्स एंड द रिलीज ऑफ एसिटेट आयन. तो इस तरीके से जिंक फ्री हो गया. नाउ दिस जिंक कैन बी टाइट्रेटेड विद EDTA. सो हैव यू गॉट हाउ द डीमास्किंग एजेंट इज वर्किंग? यस. ओके, सो दैट इज व्हाट अबाउट द डीमास्किंग एजेंट. सो थैंक यू फॉर मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट. अभी हम हमारे सिलेबस पे जाते हैं, एंड क्या चीजें बाकी रही है सिलेबस में से उसके ऊपर देखते हैं. ओके, सो in the complexometry titration you have a classification. Yesterday we have covered metal ion indicator, aaj humne dekha masking and demasking agent, aaj humne dekha, right? Next part is what, estimation of magnesium sulfate and calcium gluconate. To ye jo do part hai, it is in a practical. So next time jo Tuesday rahega, we have a practical. In practical we will cover this two part, assay of a magnesium sulfate and calcium gluconate. Theek hai, any questions on today's topic? आज का क्या हमने पढ़ा, पहला पार्ट मेटल आयन इंडिकेटर्स, दूसरा पार्ट
मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। तो आप ऐसे दो या दो से ज्यादा भी मिक्सचर के आयंस रहते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट से टाइट्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। और एक मेथड के इंडिकेटर्स दूसरे मेथड में एंटर मत करते जाइए अनलेस एंड अंटिल इट इज हैविंग एनी यूज। ठीक है राधिका? यस सर।